हमने देखा कि यूनिवर्सल मेमोरी में बहुत सारे हमें वर्ड्स मिल सकते हैं, बट यूनिवर्सल मेमोरी में सारे वर्ड्स नहीं आ सकते। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद करने होंगे या जो आपको सीखने होंगे, जो आपको यूनिवर्सल मेमोरी में नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करोगे इसमें आप जाओगे मेमोरी डब में, क्लिक पे मेमोरी डब पे क्लिक करोगे और जाओगे माई मेमोरीज पे। तो माय मेमोरीज़ पे हम क्या कर सकते हैं, हम खुद के वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो खुद के वर्ड्स लिखने के बाद में हम उनको फिर याद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको बोलेगा जैसे, और क्या करेगा, हम लोग याद कर सकते हैं उसको। तो हम लोग चालू करते हैं। अगर हमें एक नया कैटेगरी बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड पे। अब जैसे कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखने हैं। सपोज़ आपको फोबिया सीखना है, बहुत सारे फोबिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको आसान करने के लिए हम क्या लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे, हमें फोबिया सीखना है, तो हम क्या लिखेंगे, फोबियाज, ठीक है। इधर कुछ नहीं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पर मेमोरी सेशन, मतलब कि आप एक साथ में आप कितने क्वेश्चंस मेमोराइज़ करना चाहते हो, 3 करने चाहते हो, तो हम क्या कर देंगे, इधर 3 लिख देंगे, ठीक है, उस और कुछ नहीं। अब हम इस पर जाते हैं, ठीक है, आपको इधर क्या दिख रहा है, #@@ ठीक है, हमको क्या करना है, उसको वैसा का वैसा लिखना है, उधर ऊपर क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम लेते हैं, अगर हमको पहला क्वेश्चन देखते हैं, द फियर ऑफ हाइट्स, ठीक है, द फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट्स को क्या बोलते हैं हम, एक्रोफोबिया, तो हम उसको क्या लिख देंगे, नीचे आंसर में क्या लिख देंगे हम, एक्रोफोबिया, ओके, फोबिया, ठीक है, डन। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, अब हम लेते हैं फियर ऑफ ब्लड, ठीक है, तो फियर ऑफ ब्लड पे हम क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, फियर ऑफ ब्लड, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि आप ये जो दिख रहा है आपको इस इक्वल टू के जो पीछे दिख रहा है आपको हैशटैग वाला पार्ट, वो आप रिमूव नहीं करें, इसी की वजह से सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसका आंसर नीचे वाला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं फियर ऑफ ब्लड, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फियर ऑफ ब्लड का आंसर होगा हीमोफोबिया, तो हम क्या लिख देंगे इधर, हीमोफोबिया, हीमोफोबिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट होता है फियर ऑफ वाटर लेते हैं हम लोग, ठीक है, हमने 3 रख दिए, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इधर, हाइड्रोफोबिया लिख देंगे, ठीक है। तो हमने हमने 3 कर लिए, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर देते हैं सबमिट दिस मेमोरी पे क्लिक करके, ठीक है, हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या हो गया, लिस्ट हो गया। हम क्या करेंगे, अब लिस्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे जो फोबियाज वाला है आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा, चलो उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास आ गया है, आपको और चाहे तो आप हम आगे नीचे जाके हम और भी लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो हम चलो चालू करते हैं मेमोराइज 1 2 3। Acrophobia, fear of blood. Hemophobia, fear of water. Hydrophobia, the fear of heights. Acrophobia. ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हैं हमने इधर टाइप कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया, और इसके वजह से क्या हो गया, हमें मेमोराइज करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही हम रिवाइज कर सकते हैं इनको। Fear of water. Hydrophobia. Fear of water. Hydrophobia. Fear of blood. Hemophobia. Fear of water. Hydrophobia. तो जैसा कि आपने देखा कि हमने ये तीनों लिखा और उसका हमें क्या मिल गया, हम अच्छे से रिवाइज कर पाए, ठीक है। ये हमने किया, हमने खुद की लिस्ट बना ली। अब जैसे आपको इसमें और वर्ड्स ऐड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे हम लोग, एक सेकेंड, हम क्या करेंगे, हम लोग
व्यू में जाएंगे और हम क्या करेंगे, एकदम नीचे जाएंगे और नीचे क्या करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एडिट पे क्लिक किया हमने, हमने तीन फोबियाज़ लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, हमको और फोबिया डालने हैं। ठीक है, हमको और फोबिया डालने हैं, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे हम जा सकते हैं। अब हम नीचे गए, नीचे गए, नीचे गए और यहाँ पे हमारे पास हम और भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर लेते हैं फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, ठीक है, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देंगे फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो हम क्या लिख देंगे इधर, क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, एडिट दिस मेमोरी, मैंने एडिट कर दी। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट पे जाएंगे और फोबियाज़ वाले को व्यू करेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस आ गया। तो ऐसे आपको जितना लिखना है आप उतना क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और फिर बाद में आप मेमोराइज़ कर सकते हो। ठीक है, सो ये हुआ हमारा, हमें अगर खुद से हमारा खुद का एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या होता है, हमें अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखना है, तो हमें ऐसा सीखना है, वर्ड मीनिंग सीखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, ऐड। ठीक है, अब हम लिखते हैं वर्ड मीनिंग्स। ओके, वर्ड मीनिंग्स, तो अगर हमने हमें हमें सपोज सीखना है कि हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, लाइन। अब हमें सीखना है कि लाइन का हिंदी क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारे कीबोर्ड में, अगर आपके कीबोर्ड में सपोर्ट नहीं करता है हिंदी लिखना, तो आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद में आप क्या करोगे, इंग्लिश टू हिंदी लिखोगे और इधर लिख दोगे लाइन। ठीक है, तो इधर आपको क्या होगा, हिंदी का ट्रांसलेशन दिख जाएगा। ठीक है, हिंदी का ट्रांसलेशन दिख गया मुझे, तो मैं क्या करूँगी, उसको कॉपी कर लूँगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंक को कॉपी कर लिया। ठीक है, फिर क्या किया, हम लोग इधर गए और इधर मैंने, ठीक है, तो इधर मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। पेस्ट, ठीक है, तो लाइन का सिंग आ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, हम लिखते हैं इधर नेक्स्ट दूसरे जानवर का नाम, लेट्स राइट हॉर्स। ठीक है, हमने लिखा इधर हॉर्स। अब मैं क्या करूँगी, मैं चली जाऊँगी इधर। ठीक है, मैंने इधर लिखा हॉर्स। ठीक है, तो इधर आ गया हॉर्स का हिंदी। अब मैं क्या करूँगी, इसको कॉपी किया मैंने और मैं क्या करूँगी, इसको इधर पेस्ट कर लूँगी आंसर में। ठीक है, ओके, तो मैं ये पेस्ट कर देती हूँ, घोड़ा। ठीक है, एक और तीसरा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरा हम लेंगे, तो लेट्स टेक काउ। ठीक है, सो हमने लिखा इधर काउ। हमको काउ का हिंदी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। ठीक है, विल राइट हियर काउ एंड हमको हिंदी मिल जाएगा उसका। तो हम क्या करेंगे, कॉपी, और हमने क्या किया इधर, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने एडिट कर दिया, हो गया हमारा, व्यू करते हैं अब इसको, लायन, सिंह, हॉर्स, घोड़ा, काउ, गाय। ठीक है, हमें दिख रहा है, मेमोराइज करते हैं इसको, लायन, सिंह, हॉर्स, घोड़ा, काउ, गाय, लायन, सिंह। सो इससे क्या होगा, आप हिंदी इंग्लिश भी अगर आपको करना है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको वर्ड्स याद रह जाएंगे। ठीक है, हमें इसमें और ऐड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसमें और ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे और फिर हम इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा मेमोरी वाला पार्ट हो गया। हम लोग हमारी पर्सनल मेमोरीज अगर हमें क्रिएट करनी है, तो हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा कि हमारे पास लिखा हुआ होगा और हम उसको बोलेंगे, उसको हमारे लिए सॉफ्टवेयर क्या करेगा, बोलेगा सब।